हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर फोर। चैप्टर फोर का नाम है खिलौने वाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फोर, जिसका नाम है खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। मतलब बच्चा बोलता है अपनी मम्मी से कि देखो माँ, फिर से आज खिलौने वाला आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। मतलब बच्चा अपनी माँ से बोलता है, मम्मी देखो कितने आज भी खिलौने वाला आया है और कितने कितने अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर खिलौने, नए नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता, पिंजरे में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी भी है। मतलब हरा हरा तोता भी है जो कि पिंजरे में है, पिंजरे में गेंद है, एक पैसे वाली एक छोटी सी मोटर भी है, सरसर चलने वाली सीटी भी है, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भगभग करती चलने वाली रेल है ना, सरसर चलने वाली सीटी भी है कई तरह की, और कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भगभग करती चलने वाली रेल है। आपको पता है पहले के ज़माने में जो खिलौने आते थे उसमें, उन खिलौने में चाबियाँ भरने की रहती थी, लोहे की चाबी आती थी जिसको गोल घुमाते थे तो फिर वो गाड़ियाँ वगैरह दौड़ने लगती थी। उस प्रकार से इसमें बताया गया है कि चाबी भर देने से भगभग करती चलने वाली रेल है ना। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। अब वो कहता है कि एक गुड़िया है, बहुत बहुत अच्छी लग रही है और कानों में बाली पहन रखी है। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटा सा टी सेट मतलब एक छोटा सा चाय के साथ में जो अपना रहता है कप प्लेट और उसका जो जार रहता है वो टी सेट कहलाता है। और छोटे छोटे हैं लोटा थाली मतलब छोटे छोटे बर्तन भी हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार। मतलब वो आदमी जो है खिलौने वाला, वो जोर जोर से पुकार रहा है कि छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, वह जोर जोर से पुकार रहा है। ठीक है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली। मुन्नू जो थी एक लड़की थी, उसने क्या ले ली, गुड़िया ले ली। मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। मतलब मचल मचल कर सरला नामक एक लड़की है, वो अपनी माँ से कहती है साड़ी लेने को। कभी खिलौना वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, तो मतलब वो सरला कहती है कि मम्मी क्या कभी खिलौने वाला भी साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दिए पैसे चार, है ना। अम्मा मुझे तो लाकर के तुमने दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। मतलब मैं इस चार पैसे में कौन सा खिलौना लूँ, धनुष बाण लूँ या भगभग करती रेलगाड़ी लूँ या पिंजरे में जो गेंद है वो लूँ या हरा हरा तोता लूँ, कौन सा लूँ मैं विचार करता हूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मतलब उसमें बच्चा, वो लड़का बोलता है कि तुम सोच रही हो कि मैं ये ले लूँगा मोटर कार बिल्ली तोता, पर मैं ये कभी नहीं लूँगा क्योंकि ये तो है बच्चों के खेल, मैं तो तलवार खरीदूँगा है ना, या मैं लूँगा तीर कमान, या तो मैं तलवार खरीदूँगा या फिर तीर कमान लूँगा। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा, राम समान बनूँगा। पता है आपको रामायण में, अभी आपने लॉकडाउन में रामायण चल रही थी तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राम जी ने ताड़का को मारा था। उसी प्रकार से बच्चा बोलता है कि मैं तीर कमान लेकर जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूँगा। ताड़का एक राक्षसनी थी, ठीक है, मारूँगा और राम के समान बन जाऊँगा। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊँगा, है ना। असुर यानी राक्षस को मैं मार भगाऊँगा, तपस्वी यज्ञ करेंगे और असुरों यानी राक्षसों को मैं मार भगाऊँगा।
यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, ऐसे ही लोगों राक्षसों को मार मार के मैं रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, मतलब तुम कह दोगी माँ वन जाने को तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, पर माँ बिन तुम्हारे वन में कैसे मैं रह पाऊंगा। अब बच्चा बोलता है कि माँ मैं तुम्हारे बगैर वन में कैसे रह पाऊंगा, पर है ना दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, मतलब मैं जंगल में तो घूमूंगा दिन भर पर लौट कर कहाँ आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, लूटूंगा तो कौन मना लेगा, मतलब यहाँ पे तो आप मुझे मना लेते हो है ना, और आपसे मैं पैसे लेके खेल खिलौना भी ले लेता हूँ, पर मैं लूटूंगा तो मुझे कौन मनाएगा, कौन प्यार से विदा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा, मतलब कौन प्यार से बिठाएगा और मनचाही चीज़ें देगा, इसलिए मैं आपको छोड़ के जंगल में नहीं जाऊँगा। ओके स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया पार्ट है ना, बहुत अच्छा पार्ट है, आप इसको दो बार तीन बार सुनना बिल्कुल समझ में आएगा। ओके गुड बाय स्टूडेंट।